Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to a very important session of 12 Minutes to CLAT in this law school series, where today we are going to compare the Government Law College Mumbai, which is GLC Mumbai, and the Indian Law Society Pune, which is ILS Pune. Now both these colleges are, you could say, at top of your radar when you do MHCET. ठीक है, जो आप महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगर देते हो तो ये दो कॉलेजेस जनरली आप एम करते हो. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गो टू दीज कॉलेजेस इन, यू कुड से, प्रायोरिटी टू द टीयर 3 एनएलयूज ऑल्सो, विच आई फील इज अ राइट मूव अगेन. तो अगर आपको टीयर 2 के बाद के जो कॉलेजेस मिल रहे हैं, जो टीयर 3 जिनको एनएलयूज हम बोलते हैं, उसके पहले आप ILS और GLC को कंसिडर कर सकते हो. अब लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ILS को कंसिडर करें या GLC को कंसिडर करें, बिकॉज जनरली वेन यू गेट अ गुड रैंक, बोथ दी कॉलेजेस यू कुड से आर समथिंग दैट आर विद इन योर रीच. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन एज टू वॉट आर दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दीज टू कॉलेजेस एंड हाउ टू, यू कुड से, फिगर आउट एज टू वॉट इज द राइट फिट फॉर यू. नाउ आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन सर्टन वेरी सिमिलर थिंग्स अबाउट दीज कॉलेजेस दैट यू कुड से दीज कॉलेजेस हैव इन कॉमन एज वेल, सो दैट यू कैन हैव एन इन्फॉर्म्ड चॉइस as to what exactly is with your liking. First and the most important thing that everybody would talk about when you go to a particular college is placements. So, humko ye pata hai ki generally tier 1 NLUs mein bahut se placements hote hain, tier 2 mein usse kam hote hain, but they have decent placements. Ab ILS aur GLC is a very peculiar scene. आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि बहुत कम प्लेसमेंट्स होते हैं, आप यहाँ पर ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं. तो हाउ डज दीज कॉलेजेस वर्क इज, यहाँ पर कॉलेज अथॉरिटीज को बहुत अच्छे से पता है दैट अगर हम बहुत सारी क्लासेस करेंगे द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू इंटर्न ड्यूरिंग द ईयर. तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, क्लासेस की जाती है कम, दिन में 2 से 3 क्लासेस की जाती है, पर्टिकुलरली GLC में ऐसा ही होता है. ILS में 3rd, 4th, 5th ईयर में आके ऐसा होने लग जाता है, लेकिन GLC में 1st ईयर से दे डू नॉट डू अ लॉट ऑफ क्लासेस. आपके दिन में 2 से 3 क्लासेस होंगे तो यू विल गेट फ्री बाय से 11:30 इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. उसके बाद में यू कैन गो एंड इंटर्न राउंड द ईयर. अब इसका क्या फायदा होता है, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके जॉब लगने के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं. बिकॉज अगर आप कहीं बहुत लॉन्ग टर्म इंटर्न कर रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर जगह की बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं. आपको इनफैक्ट ये भी अलग अलग जगह इंटर्न करके समझ में आ जाता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है. बिकॉज जनरली अगर आप NLU के लोगों को देखोगे ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि शुरू के 2 साल में दे पहले साल इंटर्न नहीं करते, सेकंड ईयर में जाके दे ट्राई टू इंटर्न इन सर्टेन लिटिगेशन प्लेसेस, देन फ्रॉम 3rd ईयर दे स्टार्ट इंटर्निंग इन सर्टेन कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स वेयर दे गेट अ जॉब विद इन 1.5 ईयर, वो 4th ईयर के एंड तक सब लोग प्लेस हो जाते हैं, एंड 5th ईयर में दे डू नॉट हैव मच टू डू, सो डोंट ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल्सो, बिकॉज वहां पर जहां जहां पर NLUs बने हुए हैं, जिन जिन सिटीज में बने हुए हैं, वहां पर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए भी नहीं है. एंड सेकेंडली दे हैव, you could say, attendance criteria also, कि आपको मिनिमम इतना तो कॉलेज अटेंड करना ही पड़ेगा. तो जब आप 3-4 बजे तक क्लासेस ही अटेंड कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास ज्यादा कुछ टाइम बच नहीं जाता ड्यूरिंग दैट डे बाहर जाकर करने का, राइट? तो इसका ही बहुत मेजर एडवांटेज है GLC और ILS को. अब GLC का ILS के ऊपर ये एडवांटेज है कि GLC मुंबई में है, तो मुंबई में जिस जगह पर GLC you could say located है, that place is called चर्च गेट. चर्च गेट के 2.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर देर इज द बॉम्बे हाईकोर्ट. There is also a lot of law firms situated within that place, within the walking distance of Churchgate. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. आपने कभी मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, शायद अगर इन एरियाज के बारे में सुना है, जो कि मुंबई के सबसे प्राइम एरियाज, एकदम साउथ मुंबई के साउथ एरियाज हैं, तो ये वो वाले एरियाज है जहां पर ये कॉलेज लोकेटेड है. अब एक नेगेटिव आप बोल सकते हो GLC का, डिस्पाइट बींग इन मुंबई, है ना, आपको वो एक बहुत बड़ा लोकेशनल एडवांटेज देगा, लेकिन इसके पास अपना कैंपस नहीं है जहां पर आप प्रॉपरली आप रह भी सको और वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज कर सको, जो कि ILS को फायदा है. ILS इज अ लश ग्रीन कैंपस. वहां पर कैंपस के अंदर देयर आर हॉस्टल, देयर इज प्रॉपर यू स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फॉर से टेनिस, क्रिकेट, देयर इज अ जिमनेजियम, देयर इज ऑल्सो अ स्विमिंग पूल, तो काफी सारी चीजें यू विल फाइंड देयर. तो दैट इज एन एडवांटेज. तो अगर आपको पूरे वैसे कॉलेज वाले लाइफ से फर्क पड़ता है कि मतलब मुझे यहाँ पर मतलब आई वॉन्ट टू स्टे विद पीपल जो मेरे कॉलेज के ही एंड ऑल ऑफ दैट, देन ILS इज प्रॉब्ली अ बेटर फिट फॉर यू. बट अगर आपको लोकेशनल एडवांटेज जो मेजर चाहिए, जो मुंबई देता है आपको थ्रू GLC, दैट यू कुड से सरपासेस एवरीथिंग एल्स दैट ILS हैज टू ऑफर टू यू. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ कॉलेज फीस हियर. तो कॉलेज फीस कितनी है GLC में और ILS में, तो GLC की फीस कुछ ऐसे वहां पर सीट्स होती है जो गवर्नमेंट एडेड सीट्स होती हैं. इसका मतलब अगर आपकी MHCET में अच्छी रैंक आई तो गवर्नमेंट कुछ आपकी फीस भरेगी और कुछ आप भरोगे, तो अराउंड 6,500 के आसपास आपकी साल की फीस होती है, विच इज नेग्लिजिबल. और अगर आप पूरे साल की फीस देखो जो गवर्नमेंट एडेड नहीं है, तो भी 10,000 या 11,000 के आसपास ही आपकी फीस रहती है पूरे साल. इट डज नॉट इंक्लूड हॉस्टल फैसिलिटीज और मेस, बिकॉज वो आपको खुद को अरेंज करना पड़ता है. दैट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव इन दोज एरियाज, बट वो मैनेजेबल है.
राइट, वो आप आराम से मैनेज कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट ILS पुणे इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, ILS पुणे की फीस इज समवेयर क्लोज टू 45,000 to 50,000 पर ईयर, विच इज ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल. जैसे हम लॉ कॉलेज अगर NLUs की बात करें तो बहुत ज्यादा है. बॉयज हॉस्टल की जो फीस है दैट इज समवेयर क्लोज टू 50,000 to 56,000 एवरी ईयर. गर्ल्स हॉस्टल वहां पर अभी नया बना है तो गर्ल्स हॉस्टल इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. इट इज 2,16,000 रुपीज पर एनम. तो दैट इफ दैट इज समवेयर क्लोज टू यू कुड से 3 लाख रुपए आपको, इफ यू आर अ फीमेल एस्पिरेंट एंड यू हैव क्लियर्ड क्लैट, तो आपको 3 लाख रुपए के आसपास पर एनम विद फीस एंड हॉस्टल पड़ेगा ILS पुणे. तो वो आप कंसिडर कर सकते हो. इफ यू कैन अफोर्ड इट यू कैन डेफिनेटली गो, अदरवाइज आप GLC चूज कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, तो मैं प्लेसमेंट्स की बात कर रहा था, आई थिंक आप लोगों को याद है. तो प्लेसमेंट्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे वहीं के स्टूडेंट्स ने बताई कि यहाँ पर कुछ लॉ फर्म्स कॉलेज में भी आती है. तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपका PPO नहीं लगा, विच इज अ प्री प्लेसमेंट ऑफर, आप जहां पर इंटर्नशिप कर रहे थे वहां पर आपको जॉब नहीं मिल पाई, तो आपके कॉलेजेस में भी कुछ कभी बैंक्स आते हैं, कुछ लॉ फर्म्स आती हैं जहां पर आप प्लेस हो सकते हो. तो इन दो कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स का जो स्कोप है वो काफी अच्छा है. अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन से NLU के बाद GLC ILS को कंसिडर करें. तो अगर Tier 3 NLUs जाने से बेटर है यहां पर आना, बिकॉज Tier 3 NLUs में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं. एक तो वो नए हैं और उनकी लोकेशंस ऐसी है कि जहां पर ज्यादा लॉ फर्म जाना नहीं चाहती टू रिक्रूट. ठीक है, इधर मतलब आप देखोगे कि DSNLU इन विशाखापट्टनम है ना, एक आजकल NLU त्रिपुरा में आ गया है, एक NLU सिलवासा में आ गया है, या फिर दीज आर सर्टेन प्लेसेस वेयर अ लॉट ऑफ लॉ फर्म्स डू नॉट वांट टू गो टू रिक्रूट. उनके कुछ फिक्स 8-10 कॉलेजेस हैं जो कि NLU जो मेजर टू ऊपर के NLU है वहां पर वो जाते हैं. एंड GLC एंड ILS के स्टूडेंट्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू गेट प्लेस, बिकॉज ये अच्छी लोकेशंस हैं, ये प्राइम लोकेशंस हैं जहां पर काफी सारी आपको एक्टिविटीज मिलेंगी. व्हेन यू कुड से व्हेन यू सी द लीगल एक्टिविटीज हैपनिंग इन दी सर्टेन प्लेसेस एंड अ लॉट ऑफ लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स आर ऑल्सो अवेलेबल पर्टिकुलरली इन मुंबई. सो अगर आप एक कंफ्यूजन में हो और आपको बहुत अच्छी ऐसे कैंपस लाइफ से फर्क पड़ता है, देन यू वुड चूज ILS. बट एक अगर आपको बहुत मेजर लोकेशनल एडवांटेज लेके चलना है जहां पर आप राउंड द ईयर इंटर्नशिप कर सकते हो एंड यू कुड से प्लेसमेंट इज द मेन क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर आप कॉलेज लोगे, देन आई वुड सजेस्ट GLC मुंबई ओवर इट. जब आपकी MHCET में जो भी अगर अच्छी रैंक आती है, सो देर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स हियर एंड देयर टेलीग्राम पे यहां वहां, जहां पर आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं आप GLC की सीट छोड़ दो, आप ILS चले जाओ, आप ILS की छोड़ दो, आप GLC चले जाओ. वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, मेरे को लगता है कि शायद बेवकूफ बनाने के लिए भी करते हैं बहुत सारे लोग, बिकॉज उनको खुद को वो पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए होता है जहां पर जहां की सीट आपने रोकी होती है. सो डोंट लिसन टू एनीबडी, जस्ट आस्क वेरी कोजेंट सोर्सेज, वेरी यू कुड से लेजिटिमेट सोर्सेज. उनके अलावा किसी और से मत पूछना, किसी भी रैंडम ग्रुप में ये सब चीजें मत करना, बिकॉज पीपल एक्चुअली विल मिसगाइड यू देयर. So make sure that you make this, you could say, informed choice with this particular video as well. And you can definitely comment in the comment box if I have missed anything and you want to ask about any particular thing that you could say was not covered in this particular video. So that is it about this session from my end. If you like this, please subscribe to this channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. उसके अलावा अगर आपको मेरे से पढ़ना भी है, इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल, देन यू कैन कम टू अनअकैडमी. आई बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस देयर, जहाँ पर मैं अपने अलग अलग टॉपिक्स करता हूँ, लीगल रीजनिंग के, करंट अफेयर्स में मैं एटलीस्ट रोज 2 क्लासेस करता हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएं. तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ माय क्लासेस. मतलब 1 सब्सक्रिप्शन विल गिव यू एक्सेस टू ऑल दी क्लासेस ऑन अनअकैडमी. तो आप सिर्फ लीगल और करंट अफेयर्स नहीं, बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, सारे टेस्ट वगैरह कर सकते हो वहाँ पे. देन इट विल हेल्प यू सफिशियंटली देयर. आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मालपानी, इट विल गिव यू 10% ऑफ. सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्माइलिंग.